प्यारे बच्चों आदाब। तो चलिए बच्चे, आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने किया था यहाँ तक आयरनी वाले पोर्शन तक। इसके आगे हमारे पास एक और टॉपिक आ रहा है, यूजिंग ए वर्ड डिफरेंटली, यानी एक वर्ड को हम कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिया है कल्चर, ठीक है। अब ये कल्चर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है एज नाउन भी, एज एडजेक्टिव भी, और एज वर्ब भी। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर टॉट टू रेस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। बच्चों को सिखाया जाता है कि वो अलग अलग तहजीब और तौर तरीके के लोगों की इज्जत करें। तो ये नाउन है। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल शो। स्कूल एक कल्चरल शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। हिज वॉइस इज़ कल्चर्ड, ये भी एक एडजेक्टिव ही है। उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही तहजीब कुन है, यानी बहुत अच्छी तरह से बोलता है वो। आगे क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट सेंटेंस कल्चर नाउन मीन्स वे ऑफ लाइफ, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये आगे कह रहा है कि अपनी डिक्शनरी खोलो और डिक्शनरी में देखो जो ये वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स के एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म और मीनिंग बताओ। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया हुआ, ये जैसे पहला वर्ड हमारा है सिंपैथी, हाँ, हमदर्दी, सिंपैथेटिक, हमदर्दी के साथ। सिंपैथेटिक होता है जिसमें हमदर्दी हो, और सिंपैथेटिकली मीन्स हमदर्दी के साथ, और सिंपथाइज हो गया हमदर्दी जताना। अब ये हमदर्दी क्या होता है, फीलिंग ऑफ पिटी, जब हमें किसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत तरस आ जाता है दिमाग में। उसके बाद दूसरा वर्ड है फैमिलैरिटी, यानी जाना पहचाना या जान पहचान, ये जान पहचान, ठीक है, फेमिलियर हो गया, फेमिलैरिटी हो गई जान पहचान, ये भी नाउन है, और फेमिलियर जाना पहचाना, फेमिलियरली यानी जान पहचान के साथ, और फेमिलराइज यानी जान पहचान करना, इसका मतलब क्या है, कैजुअल मैनर, यानी जब हम किसी के साथ भी मतलब कोई भी परायापन ना दिखाए, ये लगे कि हमें ये हमारा अपना है, इसको हम जानते हैं। थर्ड है कम्फर्ट, यानी आराम, कम्फर्टेबल, आरामदेह, कम्फर्टेबली, आराम, आराम के साथ, कम्फर्ट वर्ब, यानी आराम और आराम देना। ए स्टेट ऑफ फिजिकल ईज, जब हम किसी को कुछ फिजिकली आराम देते हैं, टेंशन फ्री करते हैं, या उसको थोड़ा बहुत रेस्ट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंफर्ट। फिर है वर्ड केयर, केयर हो गया देखभाल, केयरफुल, होशियारी के साथ, केयरफुल होशियार, केयरफुली हो गया होशियारी के साथ, और केयर हो गया किसी की देखभाल करना, यानी फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर समबॉडी, ये समबॉडी एस बी, यानी किसी के लिए हमारे दिल में कंसर्न हो, नहीं मैंने इसका ध्यान रखना है। सरप्राइज, हैरानी, सरप्राइजिंग, हैरान कुन, सरप्राइजिंगली, हैरानी के साथ, और सरप्राइज हैरान होना, यानी जब हम कुछ ऐसा देखें या सुने जो हमने उम्मीद ना की हो। लव, प्यार, लवसम, प्यार भरा, लवली, प्यारा, लव, प्यार करना, यानी पैशन, मोहब्बत, अपनापन, केयर, सब कुछ इसे मिलता है। उसके बाद वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी हो गया खूबसूरती, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ब्यूटीफुली, खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफाई, खूबसूरत बढ़ाना या खूबसूरती निखारना, वेरी अट्रैक्टिव, ब्यूटी का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव, जिसको देखकर इंसान को लगे ये कुछ कोई डिफरेंट है। थॉट, सोच, थॉटफुल, सोच के साथ, सोच वाला, थॉटफुल, सोच वाला, थॉटफुली, सोच समझ के साथ, थॉट, सोचना, यानी ओपिनियन, अपनी राय देना। इसके बाद वर्ड है होप, होप का मतलब हो गया उम्मीद, होपफुल, उम्मीद होना, होपफुली, उम्मीदी के साथ, होप, उम्मीद करना, यानी फीलिंग ऑफ डिज़ायर, कोई चाहत करना। फियर, डर, फियरफुल, डरावना, फियरफुली, डर के साथ, फियर, डर होना, ठीक है, और फ्राइट हो गया फियर का ही मीनिंग, डरावना।